नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की रायपुर से आ रही खबर के साथ। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया है और रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस के रिमांड में रहे 8 दिन, पुलिस के सामने मुंह नहीं खोला और अब कोर्ट में पेश किया गया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया है और रिमांड खत्म होने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया है। बता दें कि 8 दिन तक वो पुलिस रिमांड में था, लेकिन उसने मुंह तक नहीं खोला, यानी पूछताछ में सहयोग उसने पुलिस का नहीं किया, जिसके बाद अब कोर्ट में पेश किया गया है। हालांकि कोर्ट की तरफ से क्या फैसला लिया जाएगा, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई है। पुलिस रिमांड में था वो 8 दिन, लेकिन कुछ भी सामने नहीं आ पाया। युगल तिवारी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। युगल, 8 दिन पुलिस रिमांड में रहने के बाद भी आरोपी ने मुंह नहीं खोला, ऐसे में पुलिस के लिए ये चुनौती है कि आखिर इस सिलसिले को पूछताछ के आगे कैसे बढ़ाया जाए। कोर्ट पर सबकी निगाहें अब टिकी हैं। युगल जी, बिल्कुल, देखिए अंशिका, ये सातिर गैंग के जो लोग हैं, शूटर हैं, और छत्तीसगढ़ के दो बड़े जो व्यापारी हैं उनको मारने के लिए इन्होंने सुपारी ली थी, और जैसे ही घटना को अंजाम देने से पहले रायपुर की पुलिस ने उन्हें दबोच लिया था और आगे की पूछताछ के लिए 8 दिनों की जो पुलिस की रिमांड पर ये थे। कुछ खास इन्होंने जो उगला नहीं है, राज कुछ खास नहीं बता पाया है, तो ये है कि अब उसकी जो रिमांड की अवधि है वो खत्म हुई है, तो इसलिए उसे कोर्ट में पेश किया गया है। अब ये तो तय है कि आने वाले समय में उन्हें न्यायिक रिमांड पर जो कोर्ट है वो जेल भेजेगी, लेकिन पुलिस के लिए एक चुनौती है कि जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी की गई है, तो किस तरह से और जो अहम सबूत हैं वो मिले हैं, क्या इनकी योजना थी, तो ये तय होगा कि आने वाले समय में और किस तरह से इनकी जो साजिश जो रच रही थी छत्तीसगढ़ के व्यापारियों को सुपारी लेकर किलिंग करने का, तो ये पूरा मामला है, उसका खुलासा आने वाले समय में होगा। लेकिन अब रिमांड की अवधि जो खत्म हो चुकी है, तो उसके बाद उन्हें इन चारों जो शूटर हैं जिन्हें गिरफ्तार किया है वो जेल भेजा जा सकता है। जी ठीक है, हालांकि वही देखना होगा कि आखिर क्या कोर्ट की तरफ से फैसला आएगा, और इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। युगल, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात जगदलपुर की करेंगे। जीएसटी टीम ने बड़े छापेमारी की है और मार्केल गांव में राइस मिल पर छापेमारी की गई है। जीएसटी चोरी की शिकायत दरअसल मिली थी और शिकायत के बाद सेंट्रल टीम ने छापा मारा है। तो ये पूरा मामला जो है जीएसटी चोरी से जुड़ा हुआ है और टीम की तरफ से छापेमारी की गई है। शिकायत के बाद सेंट्रल टीम ने छापेमारी की है। जगदलपुर में जीएसटी की टीम ने बड़ा एक्शन लिया है और मार्केल गांव में राइस मिल पर छापेमारी की गई है। जीएसटी चोरी की दरअसल शिकायत मिली थी, जिसके बाद ये छापेमारी की गई है। सेंट्रल टीम की तरफ से छापेमारी की गई है। सेंट्रल टीम की तरफ से ये छापेमारी, जगदलपुर में जीएसटी ने बड़ी कार्रवाई की और यहाँ पर राइस मिल पर छापेमारी की गई है। जीएसटी चोरी की शिकायत दरअसल मिली थी। श्रीनिवास नायडू संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, क्या जानकारी मिल रही है, छापेमारी में क्या कुछ मिला विभाग को? देखिए, जगदलपुर के जो मार्केट है वह राइस मिल है, बाबू राइस मिल का जगह है, वहां पर जीएसटी की टीम सुबह पहुंची थी और छापेमारी की कार्रवाई की गई थी। बताया जा रहा है कि जो जीएसटी की चोरी होता था और उसको लेकर शिकायत जीएसटी को विभाग को मिली थी, जिसके बाद सेंट्रल की टीम जगदलपुर पहुंची और छापेमारी की कार्रवाई की गई है। फिलहाल कार्रवाई जारी है और अभी जो इलाका है वो अपने कब्जे में रखा गया है। जो अधिकारी आया है वो किसी को अंदर आने जाने नहीं दे रहे, तो फिलहाल कार्रवाई अभी जारी है। कुछ देर बाद स्पष्ट होगा कि जो कार्रवाई को लेकर क्या प्रमाण मिले हैं। इस कार्रवाई के बाद, छापे के बाद जरूरी है कि जो जीएसटी चोरी के संबंध में जो लोग हैं, जो व्यवसायी है, जो व्यापारी है, उनमें एक हड़कंप मचा हुआ। श्रीनिवास, आसपास जो है कितनी राइस मिल पड़ती हैं और क्या उन पर भी अब कार्रवाई होगी?
देखिए जो जीएसटी की टीम पहुंची है उनको शिकायत मिली थी जीएसटी चोरी को लेकर। एक राइस मिल फिलहाल छापा पड़ा है और कई जो राइस मिल है वो भी रडार में है। ऐसे में कई राइस मिल को जो संचालक है उनमें हड़कंप मचा हुआ है और धीरे धीरे अभी सभी राइस मिलों में दबिश देने की जानकारी फिलहाल मिल रही है। जी बहुत शुक्रिया श्रीनिवास जानकारी साझा करने के लिए। बलौदाबाजार में युवक की लाश